इन दिनों विकी कौशल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। उनके बेहतरीन एक्टिंग स्किल्स का विषय फिर से चर्चा में आया है और उसका रीजन है उनकी अपकमिंग मूवी में प्रेजेंट किया गया उनका अस्टॉनिशिंग कैरेक्टर सैम मानेकशॉ, एके सैम बहादुर। हे व्यूअर्स, दिस इज अनिकेत प्रगति, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर फिल्मी चैनल पॉपकॉर्न प्रीव्यूज। सैम बहादुर एक बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा फिल्म है, एक ऐसे हिस्टोरिकल पर्सन की बायोग्राफी है जिनकी कहानी जानने के लिए शायद हर भारतीय उत्सुक होगा। सैम हुरमुज़जी फ्रमजी जमशेदजी मानेकशॉ 1971 के इंडो पाकिस्तान वॉर के समय इंडियन आर्मी के वो चीफ थे और ऐसे पहले इंडियन आर्मी ऑफिसर थे जिन्हें फील्ड मार्शल का रैंक दिया गया था। फील्ड मार्शल का रैंक आज तक हिंदुस्तान में सिर्फ दो ऑफिसर्स को दिया गया है और उनमें से ही पहले थे सैम मानेकशॉ। ये आर्मी की टॉप मोस्ट पोजीशन होती है जो उन्हें दी गई थी। 40 से भी ज्यादा सालों तक वो आर्मी के लिए काम करते रहे, पर ऐसे कौन से अविश्वसनीय कार्य किए थे उन्होंने कि उन्हें इतना सम्मान मिला, यही तो जानना है इस मूवी के जरिए। इंडियन आर्मी से जुड़ी हुई हर एक फिल्म को ऑडियंस का काफी ज्यादा प्यार मिलता है। ऐसे में अगर ये फिल्म अच्छे से बनाई गई हो तो डेफिनेटली इस फिल्म को भी ऑडियंस की तरफ से अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल ही जाएगा। दिक्कत होगी सिर्फ रणबीर कपूर की एनिमल से, जो की सेम डेट पर रिलीज हो रही है, जो पूरी तरह से अलग जॉनरा की होते हुए भी यहाँ कम्पीट करे। रहा सवाल विकी कौशल की कैपेसिटी का, तो ट्रेलर के जरिए तो उनका काम इम्प्रेसिव लग रहा है और साथ में सानिया मल्होत्रा, फातिमा सना शेख, नीरज काबी, जीशा नायक, ये सब तगड़े एक्टर्स इस फिल्म का हिस्सा होंगे। ट्रेलर में सुनने को मिल रहे डायलॉग्स किसी वॉर ड्रामा फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अप टू द मार्क ही लग रहे हैं। अब हिंदुस्तान के सरजमी की कहानी है तो फिल्म के स्टोरी के बारे में भी कोई दो राय नहीं होगी। जयपुर, कोलकाता, पंजाब, कश्मीर और दिल्ली जैसी जगहों पर इस फिल्म को शूट किया गया है, जो दिखाता है कि मेकिंग में डेफिनेटली बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाले गए हैं, जो ट्रेलर में दिख रहे कई सारे अमेजिंग, एक्स्ट्रॉर्डिनरी और सेंसेशनल विजुअल्स के जरिए एविडेंट भी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिल्म की डायरेक्टर मेघना गुलजार, जो पहले ही राजी जैसी फिल्म बनाकर साबित कर चुकी है कि ये जॉनरा उनका बेस्ट गेम है। विकी कौशल के एस सैम मानेकशॉ वाले लुक ने आधी जंग तो जीत ली है, अब बस 1 दिसंबर को रिलीज पर फिल्म का पूरा नतीजा हमें मिल जाएगा। इस फिल्म के बारे में आपकी राय कमेंट करके जरूर बताइए।